कि वो कमेटी किस पावर्स के अंतर्गत गठित की गई थी, किस पावर्स के अंतर्गत वो आदेश पारित किए गए थे। मुझे त्रिवेंद्र सिंह रावत पर रोक लगाए, सदन में गलत लगाए उन्होंने, गलत लगाए। अगर विधायक जी को किसान लोग इतनी चिंता है, उमेश जी को बहुत बड़े पैसे वाले हैं, एक मील लगाए यहाँ से, एक मील की जरूरत है, ये या मील खरीद ले, वो तो माल किन बेच देगी। आपके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन से आपके पास ऐसी ताकत है जिनके चलते आपने बैंक को आदेशित किया कि एक एनपीए हुए हुए अकाउंट को, एक ऐसे व्यक्ति को जो फ्रॉड है, जो डिफॉल्टर है कंपनी, उसको 36 करोड़ रुपए बिना किसी मोर्टगेज के आपने अपनी गारंटी लगा के दे दिए? क्या प्रेम था आपका उनके साथ? उस 31 करोड़ रुपए में से एक भी रुपया इकबाल गुरु शुगर मिल के खाते में नहीं गया। तो विधायक उमेश कुमार जी में से तो मुझे किसान विरोधी होने की बुआ रही, किसान से टकरा रहे, हमारे हमें सरकार सरकार ने पैसे दिए, हमें टकरा रहे हमारे तो ही। हमारा विषय ये था कि जो माननीय विधायक खानपुर ने सदन में आवाज उठाई, कह लगी जी किसानों के खाते में पैसा नहीं गया। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि वो पैसा किसानों के खाते में गया, एस्क्रो अकाउंट के जरिए आया, और वही डिटेल हमने आप लोगों को दी है। भ्रमित करने का कार्य किसानों को ना किया जाए। जो हम लोगों ने लड़ाई उस समय लड़ी और पेमेंट हुआ, भुगतान हुआ, उस समय जो सरकार ने सहयोग किया उसके लिए हम लोग जो है उनके ऋणी हैं, किसान लोग ऋणी हैं। और हम वास्तविकता ये थी, उस समय कंपनी जो है शुगर मिल इकबालपुर बड़ी दयनीय स्थिति में थी। अगर वो पैसा ना मिलता, मिल ना चलती, तो ये और मिल ना चलती तो किसान के पास अगर पैसा ना आता तो वो गन्ना देने के लिए तैयार नहीं था किसान। ये जो पैसा है ये सीधा आपके अकाउंट में आया या समिति? ये समिति के माध्यम से ही किसानों का भुगतान होता है, वो समिति के पास आएगा तो किसान के अकाउंट में जारी होगा। तो सर हम ये मानेंगे भाई जो क्रेडिट है वो किसानों को ही जाए, चाहे वो मिले या ना मिले, जो संघर्ष का क्रेडिट है। जो लोग जो किसानों ने जो लड़ाई लड़ी उस समय, जो किसान धरना पर बैठे कि मिल को बंद किया, उन लोगों को उसका जो है मिलना चाहिए। भाई जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थानीय किसान थे जो उसमें गन्ना डालते हैं, भाई स्थिति हमें पता है ना। अगर हमारा 2019 का बकाया है तो हमें पता है ना, हम अपने बच्चों की फीस कैसे भुगत कर रहे हैं, कहाँ से जमा कर रहे हैं, अपनी बीमारियों का खर्चा कैसे निकाल ले। अगर हमारे पिताजी बीमार थे तो हमने उनको पैसा किस तरीके से लगाया, कर्ज लिया, क्या लिया, उनकी समस्याओं का हमें पता, विधायक जी को नहीं पता। अगर विधायक जी को किसानों की इतनी चिंता है, उमेश जी को बहुत बड़े पैसे वाले हैं, एक मील लगाए यहाँ से, एक मील की जरूरत है, ये या मील खरीद ले, वो तो माल की बेच देगी और तब हमारा भुगतान करे, हमारे भुगतान की बात रखे तो पता चल जाएगा सही क्या, सही क्या झूठ बोल रहे हैं सदन में, झूठ बोला है कि भाई इस तरह ये 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 सामने है आपके, भाई हम किसान हैं, हमारे अकाउंट में पैसा आया, मेरा जो है डेढ़ लाख रुपया था, तो उस डेढ़ लाख रुपए में तो जो मेरा था वो आया भाई किस्तों में आया। आज ये मीडिया के सामने जो पत्रकार वार्ता आपने एक हफ्ते बाद करी है, एक सप्ताह से पूर्व उन्होंने मामला सदन में उठाया, तो आज आपको याद हुआ है वीडियो बताने की बात? किसान है, किसान जो है काम में व्यस्त थे और उसके बाद जो आज मौका मिला, सब शादियों का भी सीजन था तो लोग इकट्ठे हुए, हम लोगों ने विचार किया, उसके बाद ये वार्ता रखी। आप सभी बंसवा गांव से आते हैं या उधर? नहीं नहीं सब अलग अलग गांव से, मैं सरठेड़ी गांव से हूँ, मैं सरठेड़ी से हूँ, ये कुंजा से हैं, और मुकेश भाई जो भड़सवा से है, सब किसान है, प्योर किसान है जिनका गन्ना मिल में जाता है। अच्छा, तो किसानों का भुगतान दिलवाने में और जैसे सांसद आप जिक्र कर रहे हो, निशंक जी का, नरेश बंसल जी का, त्रिवेंद्र रावत जी का, क्या इन्होंने आपके लिए हेल्प करी उस समय? बहुत उस समय भूमिका जो बनाई गई भाई उनके द्वारा, जो है मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई उस समय, ये जो समस्या ये है ना 31 करोड़ वाली, ये उसी समय की है। वो अगर ना उसमें प्रयास लोग करते वहां, ना हमें मीटिंग में बिठाते, तो हमारा भुगतान कैसे होता? ये कौन से किसान है जो उमेश कुमार कह रहे हैं कि हमारा भुगतान नहीं हुआ? भाई इकबालपुर मिल में जो गन्ना डालते हैं वो कहाँ के किसान हो? इकबालपुर के आसपास के वही तो किसान होंगे ना, या जिनका अकाउंट जो गन्ना उनका जा रहा है वही किसान होगा ना वहाँ। अब वैसे तो किसान सब हैं भाई, मुजफ्फरनगर का भी किसान है और आपके जो उधम सिंह नगर का भी किसान है और टिहरी में जो बैठा वो भी किसान है, लेकिन जो हम लोग गन्ना वहाँ डाल ले वही तो उस मील अच्छा, के किसान तो हम लगातार जो है उमेश कुमार सदन के माध्यम से भी, सदन में तो कही है लेकिन उसके बाहर भी किसानों की बात लगातार कर रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं, तो उनसे आप किसी भी चीज़? वो अच्छी बात है, अगर किसानों की कोई बात उठा रहा है वो अच्छी बात है, लड़ाई लड़ रहा अच्छी बात है, पर जो लड़ाई किसी और ने लड़ी उसका सरे उसको मिलना चाहिए, एडवांटेज उसको मिलना चाहिए।
पत्रकार बंधु मुद्दा ये था कि विधायक उमेश कुमार जी ने सदन में झूठ बोला, सदन में झूठी सूचना दी, जबकि 31 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में गया। उस 31 करोड़ रुपए में से एक भी रुपया इकबालपुर शुगर मिल के खाते में नहीं गया। तो विधायक उमेश कुमार जी में से तो मुझे किसान विरोधी होने की बू आ रही, और विधायक जी को कभी भी जो है ना किसानों से नहीं टकराना चाहिए। वे सदन में कुछ भी कहते रहे, किसी से भी टकरावे, लेकिन किसानों से ना टकरावे। अगर किसानों से टकरावेंगे ना तो आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, पुतले फूके जाएंगे। बेकार की बात ना करना सदन में, झूठ बोलने में मांग करता हूँ। विधान से टकरा रहे हैं, सरकार से टकरा रहे हैं, किसान से टकरा रहे हैं। हमारा हमें सरकार सरकार ने पैसे दिए, हमें टकरा रहे हमारे तो ही। हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने। वो तो इस बात की बात बोल चुके हैं सदन में कि जांच करवाइए, तो जो इकबालपुर जांच करवाइए ना, वो तो बोल रहे हैं। तो जांच करवाना, अगर जांच में उमेश कुमार की बात झूठी मिले तो उसे भी तो सजा हुआ है। वो बताना है मुझे क्या सजा दे। कौन-कौन का पेमेंट हो चुका अब तक? है हमारा रेगुलर पेमेंट 18-19 का ही तो रुक रहा। अच्छा, हाँ जो 31 करोड़ रुपया हमें मिला था लोन जो सरकार ने दिया था, मैं उसे कह रहे उमेश कुमार जी, तो वो आपको मिल चुका है? मिल चुका, 100% मिल चुका। 17-18 उसी पैसे से क्लियर हुआ था, 18-19 कोर्ट में फंस गया। तो उमेश कुमार जी को हमारी मदद करनी, कोर्ट में खड़े होना वकील लेकर। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जो दिया गया पैसा था वो किसानों के पास गया, किसानों के पास एक रुपया कहीं और नहीं गया। नहीं, उन्हें कहना चाहिए 18-19 का पैसा। मुझे त्रिवेंद्र सिंह रावत पर रोक लगाए सदन में, गलत लगाए उन्होंने। गलत लगाए? अच्छा, गलत लगाए। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हो? हम साथ हैं, नहीं किसी के भी। अच्छा, हम किसी के साथ नहीं हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हम कतई नहीं, हम किसान है पहले। मैंने पूछा कि 1/7/2019 का जो RC कमिश्नर तत्कालीन ने निरस्त की थी और 12/9 को जो बैठक हुई थी, जिस बैठक में ये तय किया गया था कि उत्तराखंड सहकारी बैंक 36 करोड़ रुपया जारी करेगा, वो कमेटी किस पावर्स के अंतर्गत गठित की गई थी, किस पावर्स के अंतर्गत वो आदेश पारित किए गए थे, आपके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन से आपके पास ऐसी ताकत है जिनके चलते आपने बैंक को आदेशित किया कि एक NPA हुए हुए अकाउंट को, एक ऐसे व्यक्ति को जो फ्रॉड है, जो डिफॉल्टर है कंपनी, उसको 36 करोड़ रुपए बिना किसी मोर्टगेज के आपने अपनी गारंटी लगा के दे दिए? क्या प्रेम था आपका उनके साथ, मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, ये बहुत जरूरी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं तो CBI जांच की मांग कर रहा हूँ, इस सदन के माध्यम बहुत गंभीर प्रकरण है। माननीय अध्यक्षा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरा आपसे निवेदन, आपका संरक्षण चाहूंगा। माननीय अध्यक्षा जी, ये आप मुझे बताइए ना कि उत्तराखंड के लोगों का 36 करोड़ रुपया जो आज भी वापस नहीं आया, किस कारण से उस कंपनी को इन्होंने दिया था, ये बताएं मुझे। वो बैठक उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री इनकी सरकार के किन पावर्स के अंतर्गत उन्होंने ये बैठक की थी और किस पावर्स के अंतर्गत इन्होंने आदेश जारी किए थे कि 36 करोड़ रुपया इस बैंक को, इस कंपनी, डिफॉल्टर कंपनी को दिया जाए?